Hello, good morning. Welcome to my YouTube channel. Afroz is here. Hi Afo. कैसे हैं आप लोग? तो काम ये है कि आज है ट्यूसडे. लकीली कम ऐसे होता है कि अफरोज आज सुबह मॉर्निंग में फारिग है. सो अभी घर पे ज़्यादातर लोग सो रहे हैं. मेरे ख्याल में हज़र भाई जाग रहे थे. बिलाल ऑफिस के काम कर रहे थे. तो अफरोज ने सोचा कि मैं सुबह के टाइम फारिग हूँ तो लेट्स गो फॉर ग्रॉसरी. तो आज आप हमारे साथ ग्रॉसरी करेंगे. ठीक है, ज़्यादातर मेरा ही अफरोज का ही होगा. उसमें अम्मा और बच्चों को, बच्चे मैं अम्मा अम्मा के बाबा के पास कमरे में छोड़ के आ गई हूँ. बच्चे वहीं हैं सारे. सो या यू आर गाइज विद अस एंड लेट्स सी. यहाँ पे वैसे तो आप लोगों को पता है आज हम कहाँ कहाँ जाते हैं वो अफरोज को बात करते हैं. आज वैसे हम कहाँ कहाँ जा रहे हैं? हमें कॉस्को की ग्रोसरीज खरीदनी है और फिर चाइनीज जो वेजिटेबल्स, जो देसी टाइप की जो होती है फ्रूट वेजिटेबल्स. सो नॉर्मली बाहर, मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब हम बाहर रहते हैं तो हमारी एक शॉप से ग्रोसरी नहीं होती, दो तीन शॉप से, तीन चार शॉप से होती हैं. तो आप बताएं कौन कौन सी चार शॉप? एक होती है होलसेल कॉस्को, दूसरी होती है वॉलमार्ट, कोई भी ग्रोसरी स्टोर जहाँ पे नॉर्मल रूटीन की ली जाती है, दूध छूत छोटी धनिया, हाँ छोटा मोटा धनिया वगैरह वहाँ से लेती है. फ्रूट हम यहाँ से चाइनीज से उठाते हैं. यहाँ मुझे थोड़ा सा रीजनेबली मिल जाता है, वैरायटी भी मिल जाती है. और चौथी और आखिरी होती है देसी स्टोर. यस, प्योर अपना पाकिस्तानी चीजें लेती है, पराठे वराठे और इसके अलावा नान, आटा चावल सारे जो. तो ये हमारा बाहर का है. मौसम आज बहुत प्लेजेंट है. जिस दिन हम आए थे उस दिन हल्की सी गर्मी थी, लेकिन उसके बाद जो है इट इज ऑल दिस वीक इज वेरी प्लेजेंट. मतलब कि दिल कर रहा है कि दिन में आप बाहर घूमें, हाइकिंग पे जाएं, घूमें फिरें, एंजॉय करें, वॉक करें, ट्रेल्स एक्सप्लोर करें. अभी घर जाएंगे तो पता चलेगा, लेकिन अभी ये है कि हम निकल आए. अफरोज ने मुझे कहा था तुम चलोगी, मैंने कहा यस आई एम ऑलवेज रेडी फॉर माई व्लॉग्स. तो हमने कहा आप लोगों को भी साथ लेके चलते हैं. मौसम भी फिर दिखाती हूँ और आज फिर इन्जॉय करेंगे. देख लें लंदन, ये यहाँ के कंट्री साइड पर है. हम अभी ना सिटी की तरफ जा रहे हैं. इतना खूबसूरत हो जाता है, इतना खूबसूरत हो जाता है, हमारा दिल करता है कि बस इन्हीं जंगलों में, इन्हीं क्या कहते हैं खेतों बयाबानों में जाके तो अंजुमन बन के, सुल्तान राही बन के तो मूवी रिकॉर्ड करें. देखें इसमें अंजुमन खड़ी होती तो फिर क्या होता, आज ये खेत यहाँ ना होते. हमारे पाकिस्तान की फसलें हमने इसीलिए तबाह की है. देखिए यहाँ पे लोग बहुत इंजॉय करते हैं कंट्री साइड लिविंग. लोगों ने स्पेशल देखे प्रॉपर घर शहर हर चीज बनाई होती है. अब ये घर चेक करें, पीछे घोड़ों का फार्म चेक करें, घोड़ों का फार्म या घोड़ों का तरपाल या घोड़े का क्या होता है वो देखो. और से अगर आपको पार्किंग चाहिए ना कॉस्को में तो सुबह के टाइम आए. आज वर्किंग डे है, इट्स ट्यूजडे. सो ये पार्किंग सारी मिल कुछ खाली हैं, लेकिन हमारे वहाँ पे ये रूटीन में वर्किंग डे में तो मतलब वैसे ही कोई नज़र नहीं आता. हम अफरोज के ट्रक में आ गए हैं. चले जी, शुक्र करें अफरोज ने हमें पीछे नहीं बिठाया. अब हमें पाकिस्तानी अमेरिका में बैठते हैं पीछे, पता है फ्लोरिडा में तुमको नज़र आ जाएंगे, सारे परेशान होते हैं. घर की गलियों में नहीं, मेन रोड पे, हाईवे पे, I-95 पे, यहाँ वहाँ सारे लोगों में वहाँ अपना चलाते हैं, जो चला सकते हैं ना उसका चलाते हैं, उसमें कोई परेशानी नहीं है. सुबह का टाइम है, दुनिया हलचल है, वेदर इज़ वेरी नाइस, हल्की सी ना गर्मी का टच है, बहुत ही प्लेजेंट है. मतलब ये वो टाइम है, मुझे आज भी याद है जब मैं आपको बताऊँ, कैनेडा में बच्चों ने मेरे ना स्कूलिंग लंदन से स्टार्ट की थी. तो मैं सुबह जब इनको वॉक करके छोड़ के जाया करती थी, घर बहुत करीब था तो मैं वॉक करके पिक करती थी. जब मैं सुबह छोड़ती थी ना ये क्या है, ये ट्रक से रंग उतारने वाला गाड़ियों का, जैसे व्हील चेयर भी. अभी इतना रश नहीं है, कॉस्को इतना भरा हुआ नहीं है, आराम से आप आके कर सकते हैं. लेकिन अब तुम्हें पता है ये कॉस्को और हमारे कॉस्को का सेम डिजाइन है. चेक करें,
बेल्ट बैग इतने खूबसूरत हैं ब्लैक और इस कलर में, दिस इज़ वेरी नाइस। ब्लैक भी अच्छा लगता है अगर पहना है। और प्राइस मैं आपको बता देती हूँ, मेरे ख्याल में कॉस्को की प्राइसेस तो आपको सबको पता है, जो 99 पेंड करते हैं वो नॉर्मल हैं, बाकी जो दूसरे हैं अब ये कम दो चीज़ें हुई हैं, ये बॉटल्स कम हुई हैं और ये लाइट्स जो है ये वाली जो है ये कम हुई हुई है। चलो जी, रश अभी भी है, बहुत ज़्यादा है। शुरू से शुरू करिए या एंड से शुरू करते हो तुम लोग? कॉस्को में हर चीज़ मिलती है, महीने बाद ख़त्म भी हो जाती है, आप लोगों ने लेना है तो ले ले कॉस्को, कोई नई चीज़ मिलेगी तो मैं बताऊंगी। ये $6 के मिलते थे, अब 12-12 के हो गए। वो सारे स्विमिंग में जो इस्तेमाल, दिखा दूँ, कल भी दिखाया था पंजाबी बटर कुकीज, पानी पूरी अभी पहले ले ली है। मतलब आपको यहाँ पे सारी जो है ना, जहाँ देसी ज़्यादा होगा ना ये देसी आइटम्स रख लेते हैं। तुमको कंफर्म कर दूँ, ये अमेरिका में नहीं है, कनाडा में जितना भी कर्कलैंड का चिकन वगैरह था ना वो हलाल हो गया है। नाउ सी दिस साइन, कर्कलैंड चिकन, ये देखो यहाँ पे अब इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, मीट शीट लेने का ना वो अब उन्होंने सारा हलाल कर दिया है, तो नो इश्यूज एट ऑल। ये बिलाल और ये हमारे लिए इतनी खुशी की बात है, उस तरफ भी दिखाती हूँ, वरना तो कर्कलैंड तो कभी मतलब अमेरिका में तो, लेकिन इनके अब हर जगह पे यू विल गेट दीज साइंस। इतना इजी हो गया है अब यहाँ पे कनाडा में, इधर भी देख लें हलाल, सब पे हलाल का साइन होगा, इवन दिस आपने फुल बोन चटका टाइप चिकन लेना उस पर भी हलाल है, सो नो इश्यूज एट ऑल। ठीक है, वैसे यहाँ पे चिकन इनका अलग पोर्शन होता है हलाल का, यहाँ पे ये देखे ना ये भी हलाल है, ये कीमा है ग्राउंड बीफ। अलबत्ता मैंने अभी मीट में कोई साइन नहीं देखा, आई मीन गोश्त में, पर इसमें है। ठीक है, फर्नीचर पड़े हुए हैं, ये सस्ता हुआ हुआ है यार, 300 वो 599 का हुआ हुआ है भी एक ही सोफ़ा। चलो जी चलिए, वाटरमेलन की प्राइस दिखा दूँ, 12.99। आजकल वाटरमेलन का सीज़न है एंड इट्स प्रोडक्ट ऑफ USA, हम लोग जो ले रहे हैं वो ले रहे हैं 5.9, 6.9 का आजकल। वैसे महंगा होता है बट nowadays इट्स वेरी चीप क्योंकि सीज़न चल रहा है ना। और ये देखें केले उसी प्राइस पर हैं, सस्ते हैं। ये हमारा फेवरेट सीरियल होता था, बाय द वे मैं पीछे बताना भूल गई, यहाँ के जो लेज़ केचप वाले हैं ना, केचप जो फ्लेवर है ना वो सिर्फ कनाडा में पसंद किया जाता है और मिलता भी है, अमेरिका में केचप फ्लेवर के चिप्स विप्स कोई नहीं खाता, बट मैं आपको बता रही हूँ। अच्छा, इन्होंने अपने कर्कलैंड का भी बना दिया, ये तो मुझे नहीं पता था कि कर्कलैंड का भी है, हेज़लनट स्प्रेड था मेरे ख्याल में, मे बी मेरे दिमाग में ना आ रहा हो। ये पड़े हुए, ये मैं खाती थी, ये तो की खाती है। ग्रोसरी हो रही है, कभी कहाँ पहुँचेगी। अफरोज कहती है दो कार्ट्स उठा लो, मैंने कहा बस एक में जो आ सकता है वो उठा लो, बहुत हो गया। लेना क्या डिटर्जेंट? ये कैप्सूल्स, ये सनलाइट के, हाँ हंड्रेड। मैंने काफ़ी अरसे से प्राइस कंपैरिजन नहीं किया था और मैं हमेशा कहती थी अमेरिका में फिर भी सस्ता है, आज मैं देख रही हूँ इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है ऑलमोस्ट, क्योंकि कुछ किसी किसी चीज़ों पे है, ज़्यादा पे नहीं है, ज़्यादा पे सेम, वी आर ऑल्सो पेइंग द सेम अमाउंट, इंक्रीज़ हुई है हर जगह, इंक्रीज़ हुई है बट इतना डिफरेंस नहीं है ये जैसे पहले लगता था ना, मुझे ऐसा लगता था कि शायद कनाडा में प्राइसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होंगे, अभी मुझे नहीं लग रही ज़्यादा, ये जो ग्रोसरीज जितने भी है ना हम भी यही पे कर रहे हैं सेम एग्जैक्टली, रादर मुझे कुछ यहाँ पे चीज़ें चीपर लगी हैं कुछ आइटम्स और कुछ आइटम वहाँ पे, सो या ग्रॉसरी चल रही है, अफरोज बेचारी लगी हुई है। आप कुछ कहना पसंद करोगी? चॉपर्स चाहिए। ये जो कोन है ना ये यहीं की है, ये कोन आपको वहाँ पे अमेरिका में नहीं मिलेगी, वहाँ पे आपको आइसक्रीम मिलती है, कप से मिलती है बट नॉट इन कोन, थैंक यू, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कि ये कॉस्को की जो कोन है ना वो
वो आपको यहीं पे मिलेगी। चले अफरोज के साथ कार्ट उठानी है, अफरोज ये खड़ी है। चलो जी दो हो गई, मैं इसको बंद करती हूँ और मैं उठाती हूँ ना। मैं आपको बता दूँ कनाडा में कोन में नहीं मिलती। दूसरा ये कि मिक्स फ्लेवर नहीं है, आप वनीला और चॉकलेट सेपरेट सेपरेट ले सकते हैं, ये नहीं है। बहुत बड़ी गलती की मैंने ना, हमसे खाई जाती है, हम ले लेते हैं शौकिया। मैंने देखा, मैंने कहा आप सबको दिखाऊं कि ये कनाडा की आइसक्रीम है, सस्ती आइसक्रीम। आपको कितना मिल मिला? 550 कुछ, ऑलमोस्ट दो कार्ट्स थी भर के। हमारा सब्जियां नहीं आई, अभी गोश्त नहीं आया। हाँ अभी हम दूसरी जगह जाएंगे, गोश्त तो खाली देंगे सर, वेजिटेबल्स फ्रूट्स। लेकिन मैं आपको बताऊँ, हम ये करते ना अमेरिका में तो हमारा बनता तकरीबन 400 तक। हाँ तो आप कन्वर्ट करें तो ऑलमोस्ट सेम पड़ा ना। हाँ सेम है फिर, मतलब मैं प्राइस आज चेक की, जैसे वाटरमेलन तुम लोगों का अभी 12.99 है ना फ्रोज, ये आजकल सीजन है, वाटरमेलन को महंगा नहीं होना चाहिए, इट शुड बी 5.9 और 6.9। हमारे पास 6.9 है या 5.9 है कॉस्को में। अच्छा, फिर प्रोडक्ट ऑफ वो है ना अमेरिका है हम, मे बी दिस कुड बी द रीजन, आई डोंट नो। कनाडा में 12.99 जाती है वाटरमेलन, उससे कम नहीं जाएगा? नहीं, हमारा जब हाई होता है ना, अब सीजन नहीं होता तो ये 9-10 होता है, अभी तो सीजन है ना। लेकिन बहुत सारी चीजें थी जो कि मुझे यहाँ पे सस्ती लगी। कार्नेशन मिल्क 6 का डब्बा 5.8 का, वहाँ पे हम 8 का डब्बा मैं लेती हूँ 11 का। हमारा डॉलर से ऊपर का हम कार्नेशन मिल्क लेते हैं एक कॉस्को से, 5 कुछ का था ना, आप उसे मतलब डॉलर से कम का पड़ा आपको, तो इस लिहाज से प्राइसेस में डिफरेंस है। बहुत सारी चीजें यहाँ पे सस्ती हैं, क्लोथिंग इज ऑलमोस्ट सेम, बस रश ज्यादा है यहाँ पे हमारे पास। मैं ऑनलाइन में चले जाओ तो रश बहुत है हमारे नेबरहुड में तो नहीं। चले फिर आप खाएं मेरे साथ आइसक्रीम, इस गंदे गंदे तरीके से खा रही हूँ। अफरोज नहीं लेती आइसक्रीम, अब तुम आइसक्रीम क्यों नहीं खाती? मैं कौन नहीं लेती, मुझे बहुत मैसी लगता है, मैं कप में ले लूंगी संडे कप। कौन जब तक गंदा करके खाया नहीं तो खाया क्या, देखे मैं कितने गंदे तरीके से खाने। चलो दफा हो जाओ सारे, ले लेते हैं लेकिन आपसे खाई नहीं जाती इसलिए आप फेंक रहे हैं। कहाँ से चल रहा है? चलो पामाए चाइनीज कोई जगह है, अफरोज ले आई, अब मैं आके दिखाती हूँ आप लोगों को। ज़्यादातर मुझे बच्चे स्टूडेंट्स हाई स्कूल वगैरह के ही नज़र आ रहे हैं, बच्चे आते हैं इधर खाने पीने के लिए। चलो जी एनू फेंको डस्टबिन में, चले चाइनीज़ स्टोर पे आ गए। वाह ये तो बिल्कुल उस तरह का है जैसे वहाँ पे था ना मार्कम में चाइनीज़ था, उसका नाम सनी कुछ था, आप लोगों को याद होगा जो मार्कम वाले ना बामियान के सामने वाला। अब वो लोकार्ट पड़े हुए हैं, अम्मा ने खाया फिर? She didn't like it? यार मैं एक लोकार्ट लेंगे, लोकार्ट मिल गए भाई, यहाँ पे हर चीज़ मिल जाती है, एक लोकार्ट ले लेते हैं। ओए लेकिन लीचियाँ बड़ी महंगी है, अभी मेरे ख्याल में सीजन नहीं है। ये पड़ी हुई है लेकिन सही नहीं है, महंगी है बहुत, 8.99 इज वेरी एक्सपेंसिव। छोड़ दो। चीनी म्यूजिक चल रहा है, सॉरी। ये देखो ड्रैगन फ्रूट खाना तुम लोगों ने, क्या चीजें लेनी है। अच्छा इधर मैंगो की भी आपको वैरायटीयां बड़ी हैं, ठीक है कोई बात नहीं, एक दो दिन में पक जाते हैं। हाँ 2-3 दिनों में पक जाते हैं। अच्छा इधर पड़ा हुआ है फो। अमेरिका में पुदीना लेती हूँ, इसके 3 पत्ते वॉलमार्ट से ना $3-4 का मिलता है, लेकिन ये कड़ा सस्ता पे है। अभी मैंने प्राइस चेक करी है, ये कौन सा मतलब सस्ते में जैसा। चलो जी चलो चलिए दुनिया दे उस रस्ते। प्याज व्याज तो नहीं लेने?
अफरोज क्रश ले रही ना कोक, तो ये जो ड्रिंक है, मैंने कहा अफरोज ये तुम पीती हो? कहती है हाँ पीती मैं हूँ, लेके जाती हूँ, पर जब मुझे लगेगी ना कि मुझे फिलहाल क्या क्या होगी, जब क्रश कर दो पीता चेक कर लो भाई ये चल रहा है। चले और क्या लेना है, ये डन है क्या भाई? यहाँ पे इस चीनी में स्टोर में सारी हलाल चीजें मौजूद हैं, हलाल बुचरी, आपको बुचर कटा हुआ फ्रेश कटा हुआ, यही फायदा है यहाँ पे। सबसे बड़ा फायदा जो है ना ये है कि आपको हर चीज मिल जाती है। सीख कबाब, ये अफरोज चिकन सीख कबाब, ये वाले कल परसों लगा हुआ था, अब ये जा रहे हैं, ये सामान जो लेके जा रहे हैं ना ये सर्कस का सामान। चले भैया आ जाए चर्चेस चिकन, यहाँ पे भी खुल गया। हम आरकम में जहाँ बग्जी में रहते थे ना वहाँ पे भी था चर्चेस चिकन। इतना रश नहीं है यहाँ पे ज़्यादातर, हाँ ये वैसे वाकई हम लोग सिर्फ दो हैं और हमने डिक्की उसके अंदर अभी सामान अंदर डालें तो फिर आ जाएगा, अभी डालते हैं सामान तो कुछ करते हैं। नीचे मैंने आप लोगों को दिखाया नहीं, पीछे ट्रॉली पीछे भी दिखाती कि कैसे ट्रंक भरा हुआ है, पर ये चेक कर, ये सीटें हटा दी है और फेंका है। चले जी घर चले, वेट कर रहे हैं बाबा लोग। तो मैं आ चुकी हूँ वापस, अफरोज ग्रॉसरी सेट कर रही है। आज खिजर भाई स्पेशल चिकन बिरयानी बना रहे हैं घर में। खिजर भाई आज आप क्या बना रहे हैं? हाँ लेकिन वो उसको पकाएंगे और फिर बिरयानी बनाएंगे, तो अभी हम मैं कर रही हूँ, बाकी सबने नाश्ता कर लिया। अफरोज बेचारी से तो अभी तक ग्रॉसरी विच इज अफरोज के साथ, अफरोज हमने तुम्हारे नाम के साथ सरनेम ऐड कर दिया, वो पहले बिचारी अफरोज अफरोज बिचारी बिचारी अफरोज, क्योंकि तुम सारा टाइम काम करती रहती हो इसलिए हमने तुम्हें लिख दिया अफरोज बिचारी। हाँ जो काम करता है वो बिचारा होता है। हाँ वो मैं रखती हूँ सारी, हाँ हैगनदास और वो भी, हाँ ये हाँ मामा भी तो करती है, उसको भी बिचारी। वो आप तो पैदाइशी नस्ली बिचारी है, अम्मा को लाचारी खिजर भाई, ये खिजर भाई की कुकिंग चल रही है आज, खिजर भाई की कुकिंग शो होगा। खिजर भाई आप क्या क्या बनाएंगे? भाई हम इतनी दूर से आए, अमेरिका से आए, मेहनत कर रहे हो तो फिर फायदा भी तो उठाओ, हमने कहा मेहनत करके इनको खिला देना ही है, हमें फायदा भी तो हो ना, हमने इतनी मेहनत कर ली और लोगों को पीना हमारे साथ ज्यादती हो जाए। लेकिन आप ये तो चेक करें ना, इतने स्पेशल मेहमान आए, कोई 10 डिशे होनी चाहिए, कोई बिहारी कबाब, बिहारी कबाब कब खिलाएंगे? बिहारी कबाब कब खिलाएंगे? उसके लिए नेशनैलिटी चेंज नहीं कर सकते, जा रही है भाई प्याज जा रहे हैं, अभी बनेगी चिकन का बेच का आ गया है बड़ा वाला जिसमें बिरयानी बनेगी। खिजर भाई ने कहा महीने की बिरयानी एक ही दफा बना रहा हूँ, इसके बाद मुझे कोई ना कहे खाने को कुछ नहीं है घर में, इतने लोग हैं अभी, इसीलिए खिजर भाई कह रहे एक ही दफा में बस बिरयानी खाओ, सुबह नाश्ते में रात में खाने में बस बिरयानी। कर रही हूँ तो तुम लोग गोरे हो तो काले क्यों होना चाहते हो? मैं गोरा नहीं हूँ, मैं ब्राउन हूँ। अच्छा मुझे ये बताओ इधर देखो, ये आपकी धूप है जो आपने इसको जाया किया हुआ है, ये है आपका असल कलर, यहाँ से जाएंगे ना अम्मा और माँ जो है ना वो डिफरेंट कैटेगरी के लोग हैं, एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे ना, अम्मा उसको समझ पा रही है ना माँ जो है अम्मा को समझ, वो ठीक कह रहा है, वो ये कह रहा है अम्मा उसको कह रही है कि तुम्हारा रंग काला हो गया, कहता है आई एम नॉट काला आई एम ब्राउन।
and he is brown. And he has no concept of this Pakistani phobia के वहाँ पे जो हम लोगों को होता है ना गोरे रंग. और मेरी माँ जो है ना वो बेचारी उन औरतों के साथ मिल मिल के पूरी जिंदगी पाकिस्तानी औरतों के साथ रह रहे के अम्मा के दिमाग में यही है कि इंसान को ब्लीच करके गोरा कर लेना चाहिए. अम्मा आपने चार मिक्सचर वाली क्रीमें नहीं इस्तेमाल करी? वो भी करती थी लेकिन छोड़ दी. शुक्र है छोड़ दी. कैंसर होता है उससे पत क्या करें हम. दे आर वेरी डेंजरस. मैं पागल हूँ सफोरा से इतनी सारी चीजें ला के आपको दे रही हूँ. इन्होंने इस्तेमाल करनी है चार क्रीमें मिक्सचर. बट वेदर इज सो नाइस. ठंडा हुआ है. किसको करना है? मास्क को गोरा करना है. और क्या करना है मास्क को? एक तो गोरा करना है और क्या करना है? और मोटा करना है. मास्क अब क्या कितने पराठे खाओगे? चार. आज तीन खाए ना कल चार शुरू करेंगे. एक दिन में एक बढ़ाते जाएंगे ना. महीने के 30 पराठे नाश्ते में हो जाएंगे. मास कह रहा आई एम इन ग्रोइंग फेज तो जो भी खाता हूँ वो इस्तेमाल हो जाता है. कहती है नहीं तुम इंक्रीज करो चार तो अच्छे अच्छे पराठे खाओ. इस्तेमाल क्या हो रहा है? कुछ भी है ही नहीं तो इस्तेमाल क्या होगा. ये एंटरटेनमेंट हो रही है यहाँ पे अंदर जो है किचन में. खिजर भाई अब बिलाल को भी आम काट के देख के आई थी. आम बहुत मजे का था. चाइनीज स्टोर से लिया बट इट वॉज सो स्वीट. अभी बिलाल ने ब्रेक किए. अभी अफरोज ने थोड़ी देर में जाना है फिर शाम को आना है. मैं यहाँ बैठे हुए देखो. अभी अम्मा ने पूछा. अम्मा आपने क्या पूछा था इसे? क्या पूछा था? महत कहाँ है? महत किधर है? तो कहते वो अंदर है ना पढ़ाई कर रहे है. मैंने कहा वो तो पढ़ाई कर रहा है. तो मैंने कहा उसको पढ़ाई का शौक. पढ़ाई का शौक आपने कहा? आपने पूछा उसको बहुत पढ़ाई का शौक है. तो महज आपने क्या कहा? आपने क्या कहा बताया ना. मैंने कहा कि किसी को पढ़ाई का शौक नहीं होता. मजबूरी. भाई बन गई बिरयानी. आए चेक करें. वाह धुएं चेक करें. अब ये निकलेगी. क्या शक्ल है भाई. जबरदस्त. बहुत ज्यादा खुशी. क्या है बाहर लोकार्ट का मिल जाना. लोकार्ट अगर किसी को नहीं पता तो प्लीज़ इसको बता दें. मैं अभी खा रही हूँ लोकार्ट. चाइनीज स्टोर से मिल गए. ये रे लोकार्ट. अब इसको अंग्रेज़ी में क्या कहते हैं डोंट आस्क मी बिकॉज आई डोंट नो. आप कहाँ हैं? हाँ मानी खादी से. ये हैं लोकार्ट. अम्मा आई हैं. ये सारे अंदर लेके जाते हैं और क्या. मैं लेके जाती हूँ. हवा बहुत ज्यादा है आज. इस तरीके से छीले लोकार्ट को. सो गुड. अच्छा पाकिस्तानी लोकार्ट में ये होता है सीड्स बड़े होते हैं और वो छोटा होता है. यहाँ पे सीड्स छोटे होते हैं और ये बड़ा होता है. सो गुड. मजा आ गया.